आपका नाम भैया? परमानंद। परमानंद पूरा नाम? केवट। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? रानीपुरा। रानीपुरा। मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप किस लिए गए थे? डिलीवरी के लिए। अच्छा, साथ में किस को लुवा गए थे? अपनी बहू को। बहू को। वहाँ पे कौन कौन मिला? वहाँ पे कोई नहीं मिला, दो डिलीवरी थी, अंधा थे। अच्छा। मैं बैठी थी बाहर चौधरा पे चबूतरा। स्टाफ में कोई डॉक्टर नर्स? कोई नहीं था। कोई नहीं था। हाँ। अच्छा, फिर आप बहू को लुवा के घर भाग गया? घर भाग आए। फिर घर पे आके आपने क्या किया? फोन लगा 108 पे। हाँ। फिर उसके बाद 15-20 मिनट में आई, जिन्होंने डिलीवरी हो चुकी। हाँ। बच्ची खत्म हो चुकी। अच्छा, बच्ची खत्म हो गई। उसके बाद आप दोबारा अस्पताल क्या किसी स्टाफ को लुवाने गए थे? तो आ गए थे इंग्लिश लगवाने के लिए। हाँ। ऐसे कोई नहीं मिला था, फिर घर वापसी आ गए। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, इसके पहले आप एक वीडियो और था कि कितनी लापरवाही है कि मोहनगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई ना डॉक्टर ना कोई नर्स रहती है। इनकी लापरवाही से आज एक महिला की डिलीवरी हुई और बच्ची की मौत हो गई। इसका जिम्मेवार कौन है? आप देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश शासन बड़ी बड़ी डींगे भर रहा है कि हम महिलाओं की रक्षा करते हैं, जच्चा बच्चा की रक्षा करते हैं, दूसरी तरफ उनकी योजनाओं को मोहनगढ़ के स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर एवं नर्सें पतीला दिखा रही हैं। आए दिन किसी बच्ची की डिलीवरी के बाद बच्चा की या महिला की मौत हो जाती है तथा स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर अपने मौज के साथ अपने अपने घर सोते हैं। और आप ऐसी व्यवस्था आपने और कहीं नहीं देखी होगी। आपका नाम मैडम? विद्या यादव। विद्या यादव। अच्छा, आपकी ड्यूटी यहाँ क्या बजे से है? भैया 8 बजे से। 8 बजे से। इसके पहले किसकी थी? इसके पहले तो जो सुनीता सिस्टर थी जी, वो रिलीव हो गई है उनकी PICU की ट्रेनिंग। जी जी, आज हमारी जतारा मीटिंग थी। अच्छा, नहीं तो 12 बजे आपके यहाँ जो डिलीवरी आई। हाँ। तो 12 बजे के द्वारा यहाँ कोई स्टाफ नहीं हुआ। और जो डिलीवरी आपकी एक दाई के द्वारा करवाई गई, कुछ डिलीवरी सीरियस थी, तो क्या इनकी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ नहीं है? अब भैया वो तो डॉक्टर की जवाबदारी है। अच्छा, डॉक्टर की जवाबदारी। इसके पहले एक रानीपुरा की डिलीवरी आई थी तो यहाँ कोई स्टाफ नहीं था, वो वापस चली गई और रास्ते में उसकी डिलीवरी हुई और बच्ची खत्म हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? अब डॉक्टर ही जाने किसकी ड्यूटी थी किसकी ड्यूटी नहीं। अच्छा अच्छा, वो फील्ड की सिस्टर की ड्यूटी थी तो आज जाता रहा मीटिंग थी। अच्छा, तो अभी दो डिलीवरी आई थी 12 बजे से, जो उनकी डिलीवरी एक की 3 बजे एक की 6 बजे हुई, एक दाई के हाथ से कराई गई। तो ये क्या दाई के लिए डिलीवरी कराने का अधिकार है क्या? करा सकती है स्टाफ ने? जिंदगी मतलब सीरियस है तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकती है वो अंगूठा छाप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी ड्यूटी 8 बजे से है, इसके पहले 12 बजे से किसी की ड्यूटी नहीं रहती है? जी हमें पता नहीं। जी सुनिए साहब, आप मोहनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था जी नर्स अभी हाल, इनका नाम है विद्या यादव, अभी 8 बजे आई हैं। जे बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है। कितने बजे? 8 बजे। इसके पहले यहाँ पर सारे दिन से कोई स्टाफ नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और महिलाओं एवं जच्चा बच्चा की जिंदगी के साथ हो रही है खिलवाड़। एवं कई मरीज भी आते हैं तो उनको तो डॉक्टर और स्टाफ यहाँ उपलब्ध नहीं होता है। केवल एक ही व्यवस्था है यहाँ पर, कम से कम 30-40 किलोमीटर में केवल मोहनगढ़ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ महिलाओं की नहीं। मैं अभी 2-3 भी यहाँ आया हूँ मैडम, तो यहाँ कोई नहीं मिला। आज जब उस महिला का पति मेरे पास पहुँचा कि मेरी महिला से जो बच्ची पैदा हुई है वो मोहनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से खत्म हो गई, तब मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है मैडम।